राम राम दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सब अपने घर में ठीक होंगे। आज मैं आलू और सोयाबीन की सब्जी बनाने जा रही हूँ। इसके लिए मैंने उबले हुए आलू लिए हैं, 8 से 10 आलू, 3 टमाटर, आधी कटोरी सोयाबीन और हरी मिर्ची 2। सोयाबीन को मैंने 10 से 15 मिनट भिगो के रखा था। उसके बाद मैंने सोयाबीन को अच्छे से हाथों से निचोड़ लिया है। अब मैं इसमें तेल गरम होने के लिए रख दिया है, इसमें इसको रोस्ट करूंगी। इसको सुनहरा होने तक भूनना है चलाते हुए। कम से कम इसमें 3 से 4 मिनट लगेंगे। आंच पे मैंने इसको 3 से 4 मिनट तक रोस्ट कर लिया है। इसका ऐसा रंग होने के बाद मैंने इसको कटोरी में निकाल लिया है। कढ़ाई में मैंने तेल डाल लिया है। मैंने ये वही तेल यूज किया है जिसमें मैंने सोयाबीन रोस्ट की थी। अब मैं इसमें जीरा डाल दूंगी और जीरे को चटकने देंगे। मैंने लहसुन और लाल मिर्ची की चटनी बना के रखी थी, इसमें मैंने 2 चम्मच मिर्ची की चटनी ली है। इसमें मैं मसाले डालूंगी। पिसा हुआ धनिया मैंने 2 चम्मच डाला है, हल्दी 1 चम्मच, गरम मसाला आधी चम्मच, नमक 1 चम्मच, स्वाद अनुसार नमक डालना। अब मैं इसमें हरी मिर्ची डाल रही हूँ। इस मसाले में मैंने हल्का सा पानी डाल लिया था, अब मैं इसमें ये डाल दूंगी। थोड़ी देर के लिए मैं इसको ढक्कन लगा के 2 मिनट के लिए पकने दूंगी। 2 मिनट हो चुके हैं, मसाला पक चुका है। अब मैं इसमें टमाटर डाल दूंगी। के बाद पक चुके हैं, मैं अब इसमें 1 मग पानी डालूंगी। ये 8-9 आलू के लिए 1 मग का पानी सही रहता है। अब इसको उबलने दूंगी। पानी उबल चुका है, अब इसमें मैं ये सोयाबीन डाल दूंगी और साथ में ही आलू डाल दूंगी। ये आलू मैंने मैश कर लिए हैं। अब इसको मैं 10 से 15 मिनट पका लूंगी। ये मेरी सब्जी बनके तैयार हो चुकी है। अब मैं इसको फ्लेम को बंद कर दूंगी और इसमें कसूरी मेथी और हरा धनिया डाल दूंगी। अब इसको मिक्स कर देंगे और ये सब्जी अब खाने के लिए तैयार है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना।